बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में INT फंक्शन या INT फार्मूला किस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके साथ एक शीट ऑलरेडी शेयर की है जिसमें हमने डेसिमल डिग्रीज को डिग्री मिनट सेकंड में चेंज किया है। तो इस फार्मूले में तकरीबन चार जगहों पर मैंने ये फंक्शन यूज़ किया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको INT नज़र आ रहा है, इस सेल में भी INT यूज़ हुआ है INT, और इस तरह जो मिनट्स का सेंड है इसमें भी यहाँ पे ये यूज़ हुआ है फिक्स के बाद। फिक्स क्या चीज़ है और इसका फंक्शन क्या है ये मैं आपको पिछली वीडियोस में डिटेल से बता चुका हूँ। इस तरह जो लैंगिट्यूड है इसमें भी आपको ये INT का जो फंक्शन है वो ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने एक नया चैनल बनाया है बिग ब्रेव के नाम से, जिसमें हम यहाँ पे कुछ गेम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड आप लोग इसको भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकान पे भी क्लिक करें ताकि हर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिले। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इस चैनल पे भी सपोर्ट करेंगे। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर इसको यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड INT का जो मकसद है वो ये है कि INT फार्मूला हम लोग जिस जगह पर भी यूज़ करते हैं या लगा लेते हैं तो जो इशारे के बाद फिगर है वो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली ख़त्म करेगा। यानी पॉइंट्स या डेसिमल्स के बाद जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ख़त्म करेगा। और इशारे से पहले हमारे पास जो वैल्यू होगी जिसको एक्सेल की ज़ुबान में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर कहते हैं, तो वो सिर्फ यहाँ पर लगा के देगा। देखिए यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू INT, यहाँ पर मैं ब्रेक स्टार्ट कर लेता हूँ और नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ INT के बाद। देखें नंबर है तो नंबर मैंने सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो आप देखें कि जो इशारे के बाद की फिगर्स है वो इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दिए हैं और इशारे से पहले या डेसिमल से पहले वैल्यू इसने मुझे लगा के दिए। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे ड्रैग कर लेता हूँ तो सब जगहों पर आपको इसी तरह पोजिशन नज़र आएगी। ये देखें ये 721.33 को इसने ख़त्म कर दिया। फ्रेंड इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम लोग टेंडरिंग करते हैं और इस्टीमेट जमा करते हैं टेंडर के लिए तो उसमें ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये फार्मूला यूज़ किया हो और आप 2345 यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है और एक बंदा है जिसने 2345.65 का फिगर डाला हो या इस्टीमेट डाला हो तो टेंडर 2345 वाला जीतेगा, जबकि 2345.65 वाला जो बंदा होगा वो इस टेंडर को हारेगा, क्योंकि ये हमसे 0.65 जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह अगर किसी बंदे ने यहाँ पे 2345.61 डाला हो तो फिर वो हमसे जीतेगा इस सूरत में, अगर हमने सिंपल एंट्री की हो। लेकिन अगर हमने INT का फार्मूला लगाया हुआ हो तो हमारे जो टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स होती है वो हार्ड फॉर्म में होती है तो उसको पता नहीं चलेगा कि इसने ये किस तरह किया हुआ है। तो जब क्वेश्चन करेगा तो उसके पास 2345 ही आएगा। तो इस मकसद के लिए भी आप INT का जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। आखिर में एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल वाले आइकान पे भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।